Children, the next topic that we will be learning is ray. Now, what is ray? Ray has got a starting point and it extends indefinitely in any one direction. Line क्या होता था? दोनों direction में चलता जाता था, लेकिन ray वैसा नहीं. Ray एक जगह से शुरू होता है और दूसरे एंड तक चलता ही जाता है, चलता ही जाता है. लाइन सेगमेंट से भी अलग है, क्योंकि लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट्स होते हैं. रे का एक शुरुआती पॉइंट हो तो उसको ओरिजिन कहते हैं, एंड दूसरा पॉइंट, दूसरा जो तरफ के तरफ ये लाइन जो है चलता जाता है. जैसे टॉर्च का रेज होते हैं, सन का रेज है, ये जो बीम ऑफ बीम फ्रॉम लाइट हाउस, जो लाइट लाइट हाउस से जो बीम्स आते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स है रेज का. ठीक है, अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे. हमने रे क्या है वो देखा, अब रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं. रे का हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन बोलते हैं. ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं या इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, वहां से वो चलता जाता है. एंड दूसरा पॉइंट उस रे में कहीं ना कहीं होगा. तो जब हम ए पी लिखते हैं, जैसे ये ए पी है, ए पी जब लिखते हैं तो जो फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा ओरिजिन बताता है या इनिशियल पॉइंट जहां से शुरू होता है वो बताता है. यानी पहला डॉट जो लिखते हो वो पहला लेटर होना चाहिए, एंड बाकी जो पॉइंट रे में है वो बाद में लिखते हैं. अब देखो, अगर मुझे ये रे ए पी है, इसका मतलब रे ए से शुरू हो रहा है, तुरंत समझ जाना, और पी के तरफ जा रहा है. अगर रे पी ए लिखती तो तुरंत समझ जाना रे पी से शुरू हो रहा है एंड ए के तरफ से जा रहा है. ठीक है, ये पोर्शन अभी छोड़ रही हूँ. इसमें उन्होंने बोला नेम द रेज इन द पिक्चर. तो रेज कौन कौन से हैं? रे टी ए, रे टी एन एंड रे टी बी. कैसे लिखेंगे टी ए को? आप टी लिखेंगे, ए सॉरी मेरा एक बड़ा एक छोटा और ए लिखेंगे, और उसके ऊपर आप एक इस तरीके का एरो बनाएंगे. तो रे टी ए, रे टी एन एंड रे टी बी. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, रे टी एन एंड रे टी बी का मतलब एक ही रे है, यही रे है, चाहे वो रे टी एन हो या टी बी हो. तो रे टी एन एंड टी बी आर द सेम रेस. वैसे ही यहाँ पे इन रेस का नाम बताने बोलेंगे, तो रे ओ ए या रे ओ बी, ये दोनों ही रेस सेम है. रे चाहे रे ओ ए हो चाहे रे ओ बी हो, दोनों रेस सेम रे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं रे ए ओ लिखना चाहूँ तो वो कैसे दिखेगा? रे ए ओ मैंने यहाँ बनाया है, देखो रे ए ओ का मतलब वो ए से शुरू हो रहा है एंड ओ की तरफ जा रहा है, ये है आपका रे ए ओ. तो ए ओ और ओ ए सेम नहीं है, लेकिन ओ बी और ओ ए सेम है, क्योंकि वो ओरिजिन सेम है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. इस फिगर में ओ ए एंड ओ बी सेम है, ओ और ए ओ अलग है. ए ओ का मतलब ए से शुरू हो रहा है एंड ओ की तरफ जा रहा है. तो वेन एवर यू राइट अ रे, उसका मतलब अगर आपने रे ओ ए लिखा, मतलब ओ से शुरू हो रहा है एंड इट इज गोइंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ए. ए उस रे का एक पॉइंट है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अगर आप ए ओ लिखते हैं तो ओरिजिन ए है और इट इज गोइंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ओ. ओके,